बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाज़रीन, सोलर इन्वर्टर के हवाले से बहुत से मेरे भाई कमेंट करते हैं कि इमरान भाई 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 6 किलोवाट की रेटिंग में जो सोलर इन्वर्टर हैं उनके हवाले से एक डिटेल से वीडियो बना दें। मैं सोलर मार्केट लाहौर हार रोड में मौजूद हूँ। नवीद भाई मेरे साथ मौजूद है, इनके पास सोलर इन्वर्टर के हवाले से काफ़ी रेंज मौजूद है। 3 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक इनके पास कौन से इन्वर्टर अवेलेबल हैं उनके हवाले से इनसे जानकारी लेते हैं। नवीद भाई से बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, भाई। कैसे हैं नवीद भाई? अल्लाह का शुक्र। नवीद भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुल्की सिचुएशन चल रही है, बिजली के बिलों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हर बंदे की कोशिश है कि वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है जी। तो इन्वर्टर के हवाले से 3 किलोवाट और 4 किलोवाट 6 किलोवाट तक जो सोलर इन्वर्टर है उनके हवाले से बता दें कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड के सोलर इन्वर्टर हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड इन्वर्टर में। इमरान भाई, मेरे पास हर कंपनी का माल मिलेगा। मेरे पास होमेज का भी है, इनवेरेस का मिल जाएगा, मैक्स पावर मिल जाएगा, प्रोलाइन का मिल जाएगा, ग्राउंड कंपनी का मिल जाएगा, हर कंपनी का माल मैं सेल करता हूँ, ठीक है। सही। अच्छा नवीद भाई, बहुत से मेरे भाइयों के सवाल होते हैं कि हमें इन्वर्टर अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इन्वर्टर हम कौन सा यूज करें, क्या हमें ऑन ग्रिड में जाना चाहिए, ऑन ऑफ ग्रिड में जाना चाहिए या हाइब्रिड में जाना चाहिए? एक बंदा जो सिर्फ अपने घर का चंद अप्लायंसेस चलाना चाहता है उसके लिए सोलर इन्वर्टर कौन सा सूटेबल है? अगर तो उस घर पे नॉर्मल लोड चलाना है, ठीक है, उसके लिए 3 किलोवाट बेहतर है। उसका अगर उसके ऊपर जाना चाहता है हाइब्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, ठीक है। अगर आप वो नेट मीटिंग पे जाना चाहता है कम से कम 6 किलोवाट लगाए, 6 किलोवाट का वो ऑन ऑफ ग्रिड में जाए, वो ऑन ऑफ ग्रिड पे जाए जी। सही। अच्छा 3 किलोवाट के हवाले से डिटेल से बता दें कि आपके पास ब्रांड कौन कौन से है 3 किलोवाट में? 3 किलोवाट में क्राउन का मिल जाएगा, इनवेरेस का मिल जाएगा, होमेज का मिल जाएगा, प्रोलाइन का मिल जाएगा, हर कंपनी का माल मिलेगा 3 किलोवाट में। 3 किलोवाट भी है, 3.6 में मिल जाएगा और उसके बाद आपका 4.2 और 6 किलोवाट मिल जाएगा। अच्छा 6 किलोवाट में आपके पास ब्रांड कौन से? 6 किलोवाट में सब ब्रांड मिल जाएगा आपको, ठीक। अच्छा नवीद भाई, इनवेरेक्स में आपके पास ये यूकॉन 2 में ये कितने किलोवाट का पड़ा हुआ है? ये यूकॉन 2 में आपको मिल जाएगा 3.5 किलोवाट का है और उसमें 5.6 किलोवाट का मिल जाएगा। 3.5 और 5.6 किलोवाट जी जी, वारंटी इनके साथ 5 ईयर वारंटी है, 2 ईयर पार्ट्स और 3 ईयर फ्री सर्विस होती है। सही। अच्छा नवीद भाई, जो मेरे व्यूअर घर में फ्रिज चलाना चाहते हैं, इस्त्री चलाना चाहते हैं, 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं, वो इन फ्यूचर वो सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि यही हमारी अप्लायंसेस जो सोलर के थ्रू चल जाएं और इन्वर्टर यहाँ पे हाइब्रिड यूज करना चाहिए उनको, या वो ऑन ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में जाएं? अगर एक छोटा मुनासिब घर है उसके अंदर आप एक एसी चलाते हैं, एक फ्रिज चलाते हैं, फैन और पानी की मोटर, एक 5 छोटे घर में यही चलता है जी जी। उसके लिए 3.5 किलोवाट कम से कम होना चाहिए। सही। उसमें ये है कि आप 1/1 इसको बंद कर उसको बंद कर, ये नहीं होगा। आपका इन्वर्टर एसी चल रहा है वो तो जरूरी है, वो चलाएं। आपकी फ्रिज चल रही है, फैन, लाइट चल रही है, हाँ, अगर पानी की मोटर चलानी है तो आप एसी को बंद करवा के आप वो चला सकते हैं। उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 3.5-3.6 होना चाहिए। सही। मतलब कि जो सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते वो चाहते हैं कि यही हमने अप्लायंसेस चलानी है और इन फ्यूचर हम सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो 3.5 या 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर में जाएं। जाएं। अदरवाइज जो मेरा व्यूअर करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है सिस्टम को, तो वो 4.5 या 5.6 या 6 किलोवाट की रेंज में जाएं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर यूज करें। एक एसी चलाना है तो वो आपका 3.5 होगा और अगर 2 एसी चलाना है तो 6.2 होगा। सही। अच्छा इन्वर्टर में आपने बताया 3.5 और 5.6 ये इन्वर्टर यूकॉन 2 में आपके पास अवेलेबल है और 3 किलोवाट में आपके पास क्राउन अवेलेबल है, होमेज अवेलेबल है, इन्फिनिक्स मिल जाएगा, प्रोलाइन मिल जाएगा, मैक्स पावर मिल जाएगा, ट्रायन मिल जाएगा, उसके अलावा क्राउन मिल जाएगा और बकाया सब कंपनी के मॉडल मिल जाते हैं। अभी जरा शॉर्ट है, जैसे ही माल आएगा हर कंपनी का माल मिलता है। अच्छा छोटे घर के लिए जो एक फ्रिज चलाना चाहता है, इस्त्री चलाना चाहता है, सिंगल बैटरी ऑपरेटेड भी आपके पास इन्वर्टर होते हैं जो कि मिनिमम 1 या 2 पैनल से रन आउट हो सके? जी मेरे पास मिल जाएगा, प्रोलाइन कंपनी का मिलेगा, PV 2200। उसमें ये है 1500 वाट आउटपुट है, प्योर साइन वेव है, उस पर आप फ्रिज भी चला सकते हैं, पानी, उसके अलावा आप वॉशिंग मशीन चला लें, फैन चला लें और इस्त्री आप चला सकते हैं। सही। तो उसपे डायरेक्ट, उसपे सर डायरेक्ट आप 4 पैनल 550 वाट के आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। मेन टू से के मैक्सिमम उसके साथ 4 पैनल सपोर्टेड है वो। हाँ जी। मिनिमम आप 1 पैनल से भी उसे ऑन कर सकते हैं। 2 पैनल से ऑन होगा कम से। 2 पैनल से मिनिमम उसकी VDC 60 वोल्ट है। हाँ जी।
दो पैनल लाजम है, लाजमी है उसको ऑन करने के लिए, और वो बगैर बैटरी भी रन करता है। सही नवीद भाई, अगर कोई मेरा व्यूअर आपकी शॉप पे विजिट करना चाहता है या अदरवाइज वो शॉप पे नहीं आ सकता, वो ऑनलाइन आपसे कोई भी चीज इन्वर्टर के हवाले से कोई मंगवाना चाहता है, उसका तरीका कर क्या है? उसका तरीका ये है कि मैं कुछ लोग, मैं इमरान भाई बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग डरते हैं ये दुकानदार कैसा है कैसा नहीं है, मैं पेमेंट दिखाऊंगा पास जाएगी। पहली बात ये कि मुझे इस फील्ड में तकरीबन 30 साल हो गए और हमारे हम पुराने काम करने वाले हैं, और सेकेंडली बात ये है कि अगर आप लोगों ट्रस्ट नहीं है, उसका तरीका है कि हम आप ओके करें, आप वो ऑर्डर देते हैं तो बिल्टी लगवाएंगे, बिल्टी की स्लिप आपको सेंड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट लगवा लें। सही सही, मतलब कि अगर कोई पेमेंट फर्स्ट नहीं करना चाहता तो आप बिल्टी लगवा के वो पेमेंट सेंड करें, पेमेंट, आप... हाँ जी पेमेंट बिल्टी की रसीद बनेगी और रसीद बना के तो फिर ये लगेगा। अच्छा सही, अगर आपकी शॉप का कोई विजिट करना चाहता है मेरा व्यूअर, वो किस तरह से आ सकता है? मिजान बैंक के साथ उमर प्लाजा की बेसमेंट में, लाहौर हार रोड, हार रोड लाहौर हार रोड। सही, तो कोई भी मेरा व्यूअर यहाँ पे आना चाहता है तो नवीद भाई ने शॉप का एड्रेस बता दिया, अदरवाइज कोई इनसे कॉन्टेक्ट नंबर पे रब्ता करना चाहता है तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप इनसे व्हाट्सएप या कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर या सोलर पैनल की डिटेल के हवाले से, इनके पास सोलर इन्वर्टर 1.2 केवीए से लेके 30 किलोवाट तक ऑन ग्रिड में इनके पास रेटिंग अवेलेबल है, अदरवाइज आप सोलर पैनल में जाते हैं तो सोलर पैनल में भी इनके पास 150 वाट से लेके आपको मैक्सिमम 580-590 वाट तक सोलर पैनल भी एन टाइप पी टाइप कैटेगरी में इनके पास मिल जाएंगे। तो कोई भी परचेजिंग करना चाहता है इनसे रब्ता कर सकता है। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।